हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईस पेरिट स्टोन्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में सो so, इस कंपनी का आईपीओ आ गया है सो so, so, इस कंपनी का आईपीओ आ गया है तो इस आईपीओ का एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया है तो वीडियो जरूर पूरा देखिए अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो दिस स्टॉक बिलोंग्स टू द एस एम ई दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट विच यूजअली हैज लो लिक्विडिटी एंड इज हैंस ऑल्सो इट विल बी ट्रेडेड इन द लॉट साइज ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड शेयर्स आफ्टर लिस्टिंग ऑन एन एस ई तो एक जो लॉट होगा वो 1600 शेयर्स का होगा और इसकी जो प्राइस रेंज है वो है एटी टू रुपीज़ टू एटी सेवन रुपीज़ तो अगर हम 82 टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटीन हंड्रेड करते हैं तो एक लॉट का जो अमाउंट है वो होता है वन लाख थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ तो अगर आपको इस आई में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा वन थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर इशू साइज़ है और फिफ्टी सेवन नाइन्टी फाइव थाउजेंड टू इश्यू साइज़ है और 57 लाख 95,200 का लॉट साइज़ है 1600 शेयर्स का आईपीओ स्टेटस देख लेते हैं ऑफर स्टार्ट होता है ऑन 26 जुलाई 2024 ऑफर एंड होता है ऑन 30 जुलाई 2024 अलोटमेंट होता है ऑन 31 जुलाई 2024 रिफंड इनिशिएशन होता है ऑन 1 अगस्त 2024 डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन फर्स्ट अगस्त 2024 लिस्टिंग होगा ऑन सेकेंड अगस्त 2024 मैंडेट एंड होता है ऑन फोरटीथ अगस्त 2024 तो चलिए देख लेते हैं इस कंपनी का रेड हयरिंग प्रोस्पेक्टस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी रजिस्टर्ड है इन उदयपुर राजस्थान यहाँ पर प्रमोटर्स के नाम भी मैंशन है फ्रेश इशू साइज़ है और फिफ्टी सेवन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड शेयर्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्क इन रिलेशन टू द फर्स्ट इशू मैंशन है जनरल रिस्क इन्वॉल्व एबसोलूट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्टिंग बुक रनिंग रीड मैनेजर्स इनके सारे नाम और डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो तो चलिए जान लेते हैं इस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है पूरे दस रुपये फ्लोर प्राइस भी मेंशन है और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी तो इस आई में निवेश करने से पहले इस रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी जैसे कि अबाउट द कंपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन इश्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो इस रेडियरिंग प्रोस्पेक्टस को आप एन एस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो ये है ई स्पिरिट स्टोन्स का जी यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सो इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी जैसे कि इशू प्रोसीजर क्या है अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या है इंटरेस्ट एंड रिफंड्स का कैसा प्रोसीजर है तो ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस जी डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए ये भी आपको एन की वेबसाइट से, से डाउनलोड करके मिल जाएगा तो ये है ई स्पिरिट स्टोन्स लिमिटेड का आई पी ओ बुक बिल्ड इशू है ऑफ फिफ्टी पॉइंट फोर टू क्रोस द इशू इज़ एंटायरली फ्रेश इशू ऑफ फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन फाइव लैक शेयर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन भी मेंशन है आईपीओ डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हो शेयर होल्डिंग प्री इशू है सिक्सटीन पॉइंट वन फाइव मिलियन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू है ट्वेंटी वन मिलियन नाइन फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड का मार्केट मेकर पोर्शन है टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड शेयर्स का यहाँ पर आप आईपीओ रिजर्वेशन भी देख सकते हैं कि किस इन्वेस्टर को कितना परसेंटेज अलॉकेटेड है एंकर इन्वेस्टर के डिटेल्स देख लेते हैं सो एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट होता है फॉर फिफ्टी परसेंट शेयर्स ऑन थर्टियथ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर रिमेनिंग शेयर्स ऑन ट्वेंटी नाइन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यहाँ पर आप आई पी ओ के टाइम लाइन भी पढ़ सकते हो ईस्पिरट स्टोन्स आई पी ओ का लॉट साइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू है हंड्रेड परसेंट पोस्ट इशू कितना होगा वो यहाँ पर मैंशन नहीं है चलिए जान लेते हैं अबाउट ईस्ट स्पिरिट स्टोन्स लिमिटेड Founded in 2016, East Spirit Stones Limited manufactures engineered quartz and marble surfaces. So ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है क्वार्ट्स एंड मार्बल सर्फेसेस. सो कंपनी मैन्युफैक्चर पॉलिस्टर रेजिंग एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देर तो यहाँ पर आप कंपनी के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी पढ़ सकते हो सो द अमाउंट मैं इन लैक्स सो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है ट्वेंटी सेवन पॉइंट सो कंपनी का रेवेन्यू है 274.77 सेवेंटी एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10.31 पॉइंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो आर है 12.39 परसेंट डेट टू इक्विटी है 1.72 पॉइंट सेवन टू आर ओ एन डब्ल्यू है फिफ्टीन पॉइंट जीरो नाइन पी बाई बी वी इज़ वन पॉइंट नाइन फोर और पैट मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन परसेंटेज है वो है थ्री पॉइंट सेवन एट परसेंट यहाँ पर आप आई का पीयर कंपेरिजन भी देख सकते हो तो प्री आई पी है ई पी एस यानी कि अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़ है 6.39 एंड पोस्ट आई वो होगा 4.7 पॉइंट पी ई रेशियो है थर्टीन पॉइंट सिक्स टू पोस्ट आई पी ओ वो होगा एटीन पॉइंट फाइव वन तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू भी देख सकते हैं यानी कि आई पी ओ से जो भी फंड्स रेज हो गए वो फंड्स का ये कंपनी क्या करेगी ये यहाँ पर मैंशन है तो ये फंड्स कंपनी यूज़ करेंगी फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी फॉर रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन पार्ट ऑफ फुल ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा इस्तेमाल करने वाली है तो यहाँ पर रिव्यू मेंशन है कि दैट यू मे अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। सो एज पर दिस वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है कि आप इस आईपीओ में निवेश कर सकते हो द कंपनी इज इन हाईली कंपेटेटिव एंड फ्रेगमेंटेड मार्केट इट पोस्टेड डी ग्रोथ इन इट्स बॉटम लाइन्स फॉर द पीरियड्स It has made tall claims that it does not match its financial performances. Based on FY24 earnings, the issue appears aggressively priced, discounting all near term positives. तो ये यहाँ पर मेंशन है तो भी निवेश करने से पहले आप एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए एंड एज़ पर योर रिसर्च यू कैन इन्वेस्ट इन दिस आई ऐसे ही इंटरेस्टिंग आई पी ओ एनालिसिस स्टॉक स्प्लेट्स बोनस एंड डिविडेंट पेयर की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे हेड